अपनी गाड़ी की टंकी को जल्द से फुल करा लो, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही फेस्टिवल सीजन में महंगाई का तड़का देने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल को 6 रुपए तक महंगा किया जा सकता है। केंद्र सरकार इन दोनों उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने जा रही है। इससे पहले सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ाई थी। इस वजह से होगा महंगा। सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, ऐसे में संसाधनों की पूर्ति के लिए यह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमी को महामारी की वजह से काफी तगड़ा झटका लगा है, ऐसे में इकोनॉमी में जान फूंकने और नुकसान की भरपाई के लिए फंड्स की काफी जरूरत है। सरकार एक और राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। इन सभी के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से पूरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम जनता पर इसका बोझ कम डालने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिससे सरकार को अलग आमदनी हो जाए। माना जा रहा है कि कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद जितना पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए था, अब वो नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल $45 प्रति बैरल से गिरकर $40 प्रति बैरल पर आ गया है। सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।